हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट वेज में मेरा नाम इफ्तिखार शाह है। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। वीडियो पे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं कंप्यूटर एंड्रॉइड एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। मेरा एक फेसबुक का भी पेज है, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैं फेसबुक पर भी अक्सर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। चलिए जानते हैं आज हम इस वीडियो में क्या सीखने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस्ट वेज में मेरा नाम इफ्तिखार हुसैन शाह है। मैं आज आपको सबसे पहले इस अपने चैनल पर आने पर खुश आमदेद कहता हूँ, और जिसे वीडियो को नए वॉच कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और इंशाल्लाह नॉलेज के ढेर मोती आपको मिलेंगे। और इसके अलावा जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उसको वॉच कर सकें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 5 फॉन्ट हैं जो कि अक्सर बेशतर थंबनेल में हम यूज़ करते हैं, अडोब फोटोशॉप CX6 में यूज़ करते हैं फॉन्ट, यानी इंग्लिश के वर्ल्ड हैं। जैसा कि आपने ये थंबनेल देखे होंगे मेरे, तो मैं भी ऐसे ही अच्छे अच्छे अपनी तरफ से तो यूज़ करता हूँ, और ऐसे ही मैं आपको बताऊँगा कि आपने वो कौन से पांच फॉन्ट हैं जो कि आप इजीली यूज़ कर सकते हैं और अपने थंबनेल की लोकेशन अच्छी बना सकते हैं, और ताकि देखने वाले को अट्रैक्टिव आपका थंबनेल लगे। पता आपको पता है कि YouTube उस थंबनेल को वीडियो को लाइक करता है, उसको अप्रिशिएट करता है, उसको पसंद करता है। जिसका थंबनेल अच्छा बना हुआ हो, जिसके फॉन्ट अच्छे लगे हुए हों, जिसकी लुक अच्छी हो, जो कि दूर से ही देखने से ही उस बंदे के अंदर खुब जाए और वो अट्रैक्टिव हो लगे, और उसी वक्त ही वो उस पर क्लिक करे और वीडियो को वॉच करे। चाहे वीडियो अंदर से जैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, भली हो, लेकिन ऊपर से जो थंबनेल है उसकी बुनियाद सबसे मेन होती है। अगर थंबनेल आप देख लें कि एक बंदा ग्रेजुएशन उसने की है, अगर उसने बहुत सारा नॉलेज उस वीडियो में शेयर किया हुआ है, लेकिन उसका थंबनेल अच्छा नहीं है, तो फिर आप उसके बारे में क्या कह सकते हैं। यानी आप उसकी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, अच्छा नहीं समझेंगे। तो इसलिए थंबनेल पर बहुत बड़ी जो है वो चीज़ होती है, उस पर इंसार होता है वीडियो का। तो ये आप देख रहे हैं कि मेरा चैनल है, जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ पे आप रेड बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मैं अडोब फोटोशॉप CX6 से यूज़ करता हूँ, मैंने आपको पहले बताया। तो उसमें जो पाँच टूल हैं, पाँच फॉन्ट हैं, जो मैं भी अक्सर बेशतर यूज़ करता हूँ, बहुत प्यारे हैं, और उनके सैम्पल भी मैंने सामने रखे हुए हैं, वो भी आप वाच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहला जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि एरियल, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फॉन्ट है। जैसे ही आप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करें और ये सबसे पहला जो आप देखते हैं, आपको पता है कि एरियल बहुत जगहों पर बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर आ जाता है कॉपर SDD, ये भी यहाँ से आप तलाश कर सकते हैं, ये कापर यहाँ से आप तलाश कर सकते हैं। तो नंबर वाइज मैंने लिखे हुए हैं कॉपर SDD, सामने आपको स्क्रीन पर आपको शो भी हो रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं कि कैसे आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आ जाता है इम्पैक्ट नंबर 3, जिसको मैं देता हूँ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फॉन्ट, वो है इम्पैक्ट IMPACT इम्पैक्ट। इसके बाद नंबर 4 पर आ जाता है होबो एस टी डी भी है, एक और भी है, लेकिन होबो SDD जो है मैंने काफ़ी बंदों को देखा है वो इसको यूज़ करते हैं, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, इसके फॉन्ट जो है बहुत अच्छे हैं। होबो SDD ये भी आप यहाँ से आप सिंपली यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर होबो SDD इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। यानी मैंने नंबर वाइज रखे हुए, ताकि आपको पता है किधर ये काफ़ी होते हैं, तो इधर से ढूंढने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है नंबर 5, जिसको मैं देता हूँ MS सर्फ।
एमएस सर्फ भी बहुत जगहों पर मैंने देखा है यूज होता है। इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है, इसके फॉन्ट भी बहुत अच्छे प्यारे हैं। इसको चाहे साइज आप जैसा भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से इसको कलर, ये आप देख रहे हैं कलर भी आप दे सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ से आपको पसंद नहीं है तो आप गूगल में चले जाएं और यहाँ पे लिखें टेक्स्ट फ्री फॉन्ट और इंटर करें, तो वो आपके सामने खोल देगा और एक वेबसाइट पर ले जाएगा। यहाँ से आप फॉन्ट जो है वो इजीली डाउनलोड करके, ये ऊपर सबसे आप देख रहे हैं www.101font.com, ये वेबसाइट है, यहाँ से आपने इसको डाउनलोड करना है। फिर अपने CX6 में आपने इंस्टॉल भी इसको करना है। ये आप देख रहे हैं कि कितने प्यारी लोकेशन वाले और अच्छे अच्छे फॉन्ट आपके सामने उसने निकाल के दे दिए हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, कोई भी आपने फॉर एग्जांपल डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करें तो ये आपके पीसी में डाउनलोड हो जाएगा और फिर आप उसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं इस अपने CX6 में। इसके बाद ये जो नेक्स्ट के अल्फाज हैं आपको नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पे मेरा कसल आपको घुमा नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट टेक्स्ट पर जाके मजीद आगे जा सकते हैं और मजीद अच्छे अच्छे आप तलाश कर सकते हैं कि कैसे आपको जो आपको पसंद है वो आप तलाश कर सकते हैं, वो आप ढूंढ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये छोटा सा ट्यूटोरियल है, छोटा सा लेकिन मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए लाया हूँ, तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस ट्यूटोरियल को भी पसंद कीजिएगा और इस अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।